आज मैं 15 मिनट में दही बना करके मतलब जमा करके आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों। वो भी कुकर में जमाऊंगी और वो भी गैस जला करके, वो भी मात्र 15 मिनट में। तो मज़े का बात यह है दोस्तों कि देखना यह है कि सच में 15 मिनट में जो है दही बन के रेडी हो जाता है। ज़्यादा टाइम लगता है कि कम टाइम लगता है, तो वीडियो में बने रही है और वीडियो को हम यहीं पर शुरू कर। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। आप चाहे गाय का दूध लीजिए, भैंस का दूध लीजिए या पैकेट का दूध लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दूध उबालूंगी 1 लीटर, ठीक है। और दूध में थोड़ा बहुत दोस्तों जो भैंस वाले लोग होते हैं वो पानी डालते हैं, इसलिए हमें दूध को थोड़ा अच्छे तरीके से उबालना है। तो जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ पर 2 मिट्टी का बर्तन लिए हैं, क्योंकि हम आपके साथ 2 तरीके से दही जमा करके शेयर करेंगे। एक तो 15 मिनट में जो जमने वाली दही है और एक जो है नेचुरल तरीका से। और यहाँ पर हमने लिए हैं दोस्तों ये दही मतलब जामुन। अगर आपके पास जामुन नहीं है तो जामुन अपने ही हाथों से कैसे रेडी करें, इसका मैं वीडियो बना करके अपने पूजा फूड ब्लॉग पर डाली हूँ, उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस बर्तन में हम क्या करेंगे ना कि वो जो जोरन है ना जिसको जामुन बोलते हैं, इस तरीके से मतलब नीचे की तरफ लगा देंगे। आप इस प्रोसेस को या तो अपने हाथ से करिए, नहीं तो आपके पास कोई प्लास्टिक का ब्रश है ना किचन में रहता है उससे करिए। अगर आप चम्मच से करेंगे, छोलनी करछुल से करेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि वो मिट्टी का बर्तन है नीचे से घिस जाएगा और दही जो है किचकिच और किनकिन बन के रेडी होगा। तो इस तरीका से आप उंगली से ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे YouTube चैनल पर वीडियो है कि 15 मिनट में जो दही है कुकर में बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये जो वीडियो है मैं 2 बार शूट करके और ट्राई करने के बाद में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो दूध को अच्छे से हम क्या करेंगे ना, खौला लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो दूध है काफ़ी अच्छा खौल गया है, आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो लीजिए मैं गैस को बंद कर देती हूँ और दूध को क्या करूँगी, उतार देती हूँ। दूध को हमें क्या करना है, सुषुम कर लेना है, मतलब आपका जो हाथ है ना उस दूध में मतलब बर्दाश्त करना चाहिए। तो लीजिए मैं एक उंगली डाल करके देख रही हूँ तो बिल्कुल सुषुम है। बस इसी स्टेज पर हमें जो जोरन है, कहीं कहीं पर इसको जामन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर जोरन भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने जो मिट्टी के बर्तन में जो मैंने दही लगाया है ना वो लगभग 1 से 1.5 चम्मच वहाँ लगा है, ठीक है। और ये जो जोरन है ये भी 1.5 चम्मच है, मतलब कुल मिला करके ये 3 चम्मच ये दही हो गया, ठीक है। तो इसी में हम दूध में डाल लेते हैं और डालने के बाद इसी दूध में हम मिलाएँगे। तो लीजिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों। आप कभी ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसा बना करके, और आपका क्या रिजल्ट आता है आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए मैंने अच्छे से उसमें मिक्स कर दिए हैं और ये जो बर्तन है जिसमें हमें जमाना है दही, आप चाहे तो आप स्टील का भी बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप स्टील के बर्तन में इस तरीके से मतलब दूध दही का कोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं इस बर्तन में दूध को डाल रही हूँ। इसमें 1/2 लीटर दूध का दही बहुत ही अच्छे तरीके से जम जाता है और वो उसमें ज़्यादा अटता है, तो मुझे 2 तरीक़े से आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो लीजिए इसमें भी मैं 1/2 लीटर इसमें और 1/2 लीटर उसमें, दोनों आधा आधा मैंने कर दिया। इस दही को मैं नेचुरल तरीके से बना करके आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इसको मैं 7 से 8 घंटे के लिए मतलब छोड़ दूंगी। तो इसको अच्छे से एक बर्तन ले करके ढक देती हूँ। इसमें अब कुछ करना नहीं है, बस आप इसको अच्छे जगह रख दीजिए, बस इसको हिलाइएगा नहीं तो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। और ये 15 मिनट वाला जो दही जमाना है ना उसके लिए लेना है हमें कुकर, और कुकर में डालना है दोस्तों 1 गिलास पानी, ठीक है। उसके बाद से हमें गैस जलाना है, जैसे हम भात रोटी बनाते हैं ना ठीक वैसे ही, और उस पर हम कुकर रखेंगे और कुकर का जो पानी है दोस्तों हमें मतलब उबाल उसमें आना चाहिए। तो लीजिए मैं ढक्कन को बंद कर दिए कि थोड़ा जल्दी उबाल आ जाएगा, ठीक है। तो लीजिए उबाल आ गया, अब बस क्या करना है कि थोड़ा सा फ्लेम को ना लो कर दीजिए, नहीं तो हाथ जल रहा है। तो इस तरीका से हम आप उसके सेंटर पर रख देंगे कुकर के बीच में, और इसका जो ढक्कन है इसी ढक्कन से हम ढक देंगे, क्योंकि ये ऐसा ढक्कन होता है ना दोस्तों कि मतलब एयर जो है मतलब अंदर ही अंदर रहता है। बस हमें क्या करना है, कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देना है, आँच को कर देना है दोस्तों यहाँ पे लो फ्लेम पर। देखिए मैंने यहाँ पे लो फ्लेम कर दिए हैं, और जो ये सीटी है ना इस सीटी को हम निकाल देंगे,
देखिए मैंने निकाल दिया और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो वैसे तो 15 मिनट ही मतलब छोड़ना चाहिए था, लेकिन हमसे ना ये गलती से ना 20 मिनट हो गया। तो ये देखिए क्या हो गया कि अब इसमें जो वाफ बन रहा है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये गैस पर है। तो लीजिए अभी बहुत गर्म है, मैंने बंद कर दिया है गैस को, तो थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं तब खोलते हैं। तो लीजिए इसको ठंडा होने के बाद मैं आप छू कर दिखा रही हूँ, अभी ये ठंडा हो गया है। तो दोस्तों 20 मिनट गैस पर और ठंडा होने में लगभग लगभग ये 30 से 40 मिनट लगा है। कुल मिलाकर टाइमिंग हुआ दोस्तों 60 मिनट, मतलब एक घंटा हो गया है। एक घंटा के बाद जो हमारा दही का रिजल्ट है आपके सामने मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बना है 15 मिनट में दही जम जाएगा, हमारा यहाँ एक घंटा हो गया है। ठीक है, एक घंटे के बाद आप दही देखिए किस तरीके से जमा है। आपको भी देख करके बहुत हैरानी होगा कि ये दही है दोस्तों, ये 15 मिनट में दही जो है बनके रेडी हो गया है। आप बताइए दोस्तों, आपके सामने प्रत्यक्ष है, मतलब कोई भी नेचुरल जो चीज़ है चाहे कितना भी हाई टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, जो जिसका टाइम है उसी टाइम पर बन के रेडी हो जाता है। और इस तरह का वीडियो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, ये मैं दो बार शूटिंग की हूँ उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए ये एक घंटा मानिए 20 मिनट आपका गैस चूल्हा पर था और आपका 40 मिनट मतलब 30 से 40 मिनट ठंडा होने में लगा है। तो बस ये देखिए ये दही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस दही को हम क्या करेंगे ना, अब ढक देते हैं और ढकने के बाद इसको भी हम 6-7 घंटा के लिए साइड करके रख देते हैं। एक तो पहले से जो नेचुरल तरीका से हमने रखा है वो तो ऑलरेडी है ही, इसको भी मैं 6-7 घंटा के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ। दोनों का दही का क्वालिटी आप देख लीजिए, क्योंकि आप अभी तक वीडियो में बने हैं यही देखने के लिए। तो ये देखिए अभी मैं आपके साथ मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कट करती हूँ, क्योंकि ये जो हमने कुकर में रखा ना, तो कुकर में क्या होता है वाष्प बनता है, मतलब ठीक है, तो निकलता नहीं है। तो दही का जो पानी जो मिट्टी का बर्तन सोखता ना, वो सोखा नहीं, उल्टा और उसको पानी मिल गया, इसलिए दही जो है ना पानी, दही में से ज़्यादा पानी छूट रहा है। दही में पानी छूटता है लेकिन नेचुरल तरीके से छूटता है, मतलब थोड़ा छूटता है। और मैंने दूध को इतना अच्छे तरीके से खौलाया है, है ना, हालांकि दही जमा है लेकिन पानी ज़्यादा हो गया है। इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, ठीक है, डायरेक्ट मैं आपके साथ कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा सा अब साइड करूँगी, जो मैं नेचुरल तरीके से दही जमाई हूँ वो भी आप देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें पानी देखिए कितना कम है, मतलब ना के बराबर है, और उसमें पानी क्या है ज़्यादा है, वो भी आधा लीटर दूध है, ये भी आधा लीटर दूध है, साथ में मैंने जोरन भी मिक्स किया था। तो इसको भी मैं कटिंग करके आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए आप खुद मतलब देख रहे हैं कि दोनों का जो दही का क्वालिटी है सबसे बेस्ट कौन सा है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर की हूँ, बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल पर आ रहा है कि 15 मिनट में दही जम जाएगा, कुकर में दही जम जाएगा, तो मैंने भी ट्राई किया कि चलो मैं बनाती हूँ। तो मैं एक दिन और जमाई थी तो वो नहीं जमा, तो मैं सेकेंड टाइम में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों कोई भी नेचुरल टाइम जो होता है, चाहे देखिए कितना भी हाई टेक्नोलॉजी होगा, जो बच्चा जो है 9 महीने में पैदा होता है वही 9 महीने में ही पैदा होगा, चाहे आप कितना भी कैल्शियम आयरन क्या क्या गोली खिला दीजिए, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है 9 महीना का, वो 9 महीना में ही उसको जन्म लेना है। फसल जो है दोस्तों 4 महीना में होती है, नवंबर में हम गेहूं का बीज जब डालते हैं तो हमें जाकर कम मिलता है, अप्रैल में मतलब मार्च अप्रैल में मिलता है, लगभग 4 महीना में होती है। तो उसको हम एक महीना में 15 दिन में कैसे मतलब फसल को काट सकते हैं, तो ये सोचने वाला बात है। इसी पर थोड़ा सा मैंने ये वीडियो बनाया कि मतलब मैं तो बनाई थी तो उस टाइम भी नहीं जमा, फिर भी नहीं जमा, तो मैं बोली कि रुको हमारा चैनल मैं शेयर करती हूँ। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, आप भी जमाइए और जमा करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सच में आपका 15 मिनट में दही जो है बन के रेडी हो गया है कि नहीं हुआ है। आपका कमेंट का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर से ज़रूर दोस्तों शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर आप करिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।